आदाब नाज़रीन, मैं शेख नौमान, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर कारवान एमएलए कौसर मुहीउद्दीन ने कारवान हल्के असम्बली से ताल्लुक रखने वाले 500 मुस्तहिकीन में संगारेड्डी कोल्लूर पटनचेरू मंडल में डबल बेडरूम मकानात तकसीम किए। संगारेड्डी के कोल्लूर वन में डबल बेडरूम मकानात के मुस्तहिकीन को पट्टे पेश करने के बाद खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना मुल्क में बेघर अफराद के लिए काबिल एहतराम डबल बेडरूम वाले मकानात बनाने वाली वाहिद रियासत है। उन्होंने कहा कि गुजरात, महाराष्ट्र या हिंदुस्तान की कोई रियासत समेत बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतें ऐसे घर नहीं बना रही है। ये बताते हुए कि तेलंगाना हुकूमत ने कोलूरू में एशिया की सबसे बड़ी 2 BHK कॉलोनी तामीर की है। हरीश राव ने कहा कि केसीआर ने रियासत के महंगे तरीन इलाकों में से एक में गरीबों को 2 BHK फ्लैट फराहम किए हैं, जिनमें से हर एक फ्लैट की कीमत 60 से 70 लाख रूपये है। 30,000 डबल बेडरूम मकानात पटनचेरू हल्के में मुख्तलिफ मकामात पर कोल्लूर 1, कोल्लूर 2, करधानुरू, अमीनपुर और दीगर मकामात पर बनाए गए थे। उनमें से 3,600 को हफ्ते को अलाट किया गया। उनमें से 3,600 मकानात अलाट किए गए, जबकि जीएचएमसी के हदूद के 7 हलकों में से हर एक से 500 मुस्तफिदीन को मकानात दिए गए, जिनमें पटनचेरू, श्रीलिंगमपल्ली, खैरताबाद, नामपल्ली, जुबली हिल्स, गोशा महल और कारवान हल्के से ताल्लुक रखने वाले मुस्तफिदीन हैं। इस मौके पर जिले परिषद के चेयरपर्सन पी मंजूश्री, मेदक एमपी कोत्ता प्रभाकर रेड्डी, कलेक्टर ए शरद, खैरताबाद, नामपल्ली, कारवान, श्रीलिंगमपल्ली, जुबली हिल्स, गोशा महल के एमएलए और दीगर मौजूद थे। मिराज अहमद भाई, अदे विधंगा वेदिक मीद उन्न गौरव पेद्दलकु, कॉर्पोरेटर्लकु, मा लोकल मुनिसिपल चेयरमैन गारिकी, कौन्सिलर्लकु, ई रोज हैदराबाद नलमूलल नुंचि डबल बेड्रूम इल्लु अंदुकोवडानिकि वच्चिन మా అక్క చెల్లెలకు, అన్నాదమ్ములకు, హమార బహనంకు, భాయ్యంకు ఆప్ సబ్కా సలాం అలైకుం, అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మీ అందరి ముఖాల్లో ఎంత సంతోషం ఉందంటే, దసరా పండగ, రంజాన్ పండగ, క్రిస్మస్ పండగ, 3 పండగలు ఒక్కరోజు వస్తే ఎంత సంతోషం ఉంటుందో మీ అందరిలో అంత సంతోషం కనబడతా ఉంది. నిజంగా ఎంత అదృష్టవంతులు మీరంటే, ఇప్పుడే చెల్లె మాట్లాడుతూ చెప్పింది, ఒక్క రూపాయి ఖర్చు పెట్టలేదు, ఒక రూపాయి మమ్మల్ని ఎవరు లంచం అడగలేదు, 60 లక్షల రూపాయల విలువ కలిగిన ఇల్లు. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट